मिश्रा, अभी आपका जो 7 मई को पेपर हुआ नीट का, उसका मैं अभी आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ समय बाद आपको सॉल्यूशन भी इसका अपलोड कर देंगे, है ना। तो मेरे हाथ में जो आपका पेपर है वो ApSec कोड का है, तो जो इसके आंसर है वही सभी कोड के आंसर हैं। बस क्वेश्चन का जो हमारे पास पोर्शन है, क्वेश्चन का जो हमारे पास क्या है सीक्वेंस है, वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे इसके अंदर फिजिक्स फर्स्ट है, किसी में केमिस्ट्री हो सकता है, किसी में बायो हो सकता है। तो इनके मैं आपको आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ समय बाद आपके लिए सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। मेरे हाथ में जो ApSec है वही क्वेश्चन सभी सेट में ही है, बस उनका सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। तो आप सभी इसको आराम से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर के साथ हो, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर फर्स्ट का थर्ड रहेगा, सेकेंड का फर्स्ट रहेगा, थर्ड का सेकेंड रहेगा, फोर्थ का फर्स्ट रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन बोनस जाएगा, कैसे जाएगा वो भी बताएंगे आपको, सिक्स का फोर जाएगा, सेवन्थ का सेकेंड जाएगा, एट्थ का थर्ड रहेगा, नाइन्थ का फोर, टेंथ का थर्ड रहेगा, इलेवेंथ का फर्स्ट, ट्वेल्थ का फोर आएगा, है ना। 13 क्वेश्चन का हमारे पास फोर जाएगा, 14 का फर्स्ट, 15 का हमारे पास फोर्थ जाएगा, 16 का थर्ड रहेगा, 17 का सेकंड रहेगा हमारे पास, है ना। 18 का सेकंड जाएगा, 19 का थर्ड रहेगा, 20 का फोर्थ जाएगा, 21 का सेकंड रहेगा, 22 का भी सेकंड रहेगा, 23 का सेकंड रहेगा, 24 का सेकंड रहेगा, 25 का फर्स्ट रहेगा, 26 का फर्स्ट रहेगा, 27 का थर्ड रहेगा, 28 का सेकंड रहेगा, 29 का थर्ड रहेगा, 30 का फोर है, 31 का सेकंड है, 32 का फर्स्ट है, 33 का थ्री है, 34 का सेकंड रहेगा, 35 का सेकंड होगा, 36 का सेकंड होगा, 37 का सेकंड होगा, 38 का फर्स्ट है, 39 का सेकंड है, थर्ड है, 34 हमारे 40 का फर्स्ट है, 41 का सेकंड रहेगा, 42 का थर्ड रहेगा, 43 का सेकंड रहेगा, 44 का भी फोर्थ रहेगा, 45 का सेकंड है, 46 का फोर है ना, 47 का फर्स्ट रहेगा, 48 का सेकंड रहेगा, 49 का थर्ड रहेगा, 50 का सेकंड रहेगा, 51 का भी सेकंड रहेगा, 52 का सेकंड रहेगा, 53 का सेकंड रहेगा, 54 का फोर्थ रहेगा, 55 का थर्ड रहेगा, 56 का सेकंड रहेगा, 57 का फोर रहेगा, 58 का फोर रहेगा, 59 का सेकंड रहेगा, 60 का वन रहेगा, 62 का भी सेकंड रहेगा, 62 का फर्स्ट रहेगा, है ना। 63 का अगर अपन देखें, 63 का फोर रहेगा, 64 का फोर रहेगा, 65 का फर्स्ट रहेगा, 66 का थर्ड रहेगा, 67 का फर्स्ट रहेगा, 68 का थर्ड रहेगा, 69 का फोर रहेगा, 70 का सेकंड रहेगा, 71 का फर्स्ट रहेगा, 72 का सेकंड रहेगा, 73 का थ्री रहेगा, 74 का सेकंड रहेगा, जो 75 क्वेश्चन है उसका सेकंड रहेगा, 76 का सेकंड रहेगा, 77 का फर्स्ट रहेगा, 78 का फोर है, 79 का सेकंड है, 80 का फोर है, 81 का सेकंड है, 82 का सेकंड है, 83 का थर्ड है, 84 का फोर्थ जाएगा, 85 का फर्स्ट रहेगा, 86 का सेकंड जाएगा, 88 का फर्स्ट रहेगा, 89 का सेकंड जाएगा, है ना, नहीं 88 है ये, 87 का फर्स्ट रहेगा, 88 का सेकंड रहेगा, 89 का थर्ड जाएगा, 90 का फर्स्ट रहेगा, 91 का भी फर्स्ट रहेगा, 92 का सेकंड रहेगा, है ना, 93 का सेकंड है, 94 का फोर है, 95 का सेकंड रहेगा, 96 का भी फोर रहेगा, 97 का सेकंड है, 98 का भी सेकंड जाएगा, 99 का अगर अपन 99 का फोर रहेगा और 100 का भी फोर रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बिल्कुल पेपर टफ नहीं गया ना, क्वेश्चन ज़्यादा, हाँ फिजिक्स का तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर था, केमिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन अगर अपन ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े से क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन अगर देख सकते हैं थोड़े लेंदी टाइप के थे, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए अपने क्लास में पढ़ा है तो एकदम सिंपल ही थी, जैसे मेरे नोट्स के क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे, है ना। तो अगर अपन देखते बेटा बात करें, बायो पोर्शन पर आते हैं, बायो में 101 का थ्री है, 102 का फोर है, थ्री का फर्स्ट है, फोर का सेकेंड है, फाइव का फर्स्ट है, सिक्स का फोर है, सेवन्थ का फोर है, एट का फर्स्ट है, नाइन का सेकेंड है, टेन का वन है, एलेवन का फोर है, ट्वेल्व का
फोर है मतलब पूरा पेपर यार एनसीईआरटी से गया दोस्त, है ना। अगर अपन देखना चाहें थर्ड का थर्टीन का फर्स्ट है, 14 का थ्री है, 15 का फर्स्ट है, 16 का वन है, 17 का टू है, 18 का फोर है, 19 का फर्स्ट है ना, 120, 20 का सेकंड है, 21 का वन है, 22 का फोर है, 23 का सेकंड है, 24 का हमारे पास क्या है सेकंड है ना, 25 का फोर है, 26 का सेकंड है, 28 का सेकंड है, 29 का हमारे पास 28 का 27 का सेकंड था, 28 का क्या था फोर था, 29 का फोर है, 30 का देखें तो थ्री है, 31 का वन है, 32 का फोर है, 33 का फोर है, 34 का वन है, 35 का थ्री है, 36 का वन है, 37 का फोर है, 38 का टू है, 39 का टू है, 40 का टू है, 41 का फोर है, 42 का फोर है, 143 का वन है, 144 का वन है, 145 का फोर है, 146 का सेकंड है, 147 का थ्री है, 148 का टू है, 149 का फोर है, 150 का फोर है, 151 का थ्री है, 152 का वन है, 153 का थ्री है, 154 का टू है, 154 का फोर है, 150 हमारे पास क्या आ जाएगा 55 का फोर है, 156 का वन है, 157 का फोर है, 158 का फोर है, 159 का वन है, 160 का टू है, 161 का वन है, 163 में अगर देखें तो थ्री है इसका आंसर। आपके पास पेपर सबके पास होगा इसलिए मैं उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ, आंसर बस आप ये देख लो क्योंकि मैं अभी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो अभी से आप आंसर मैच करके पहले अपने नंबर डिसाइड करो और आपके क्वेश्चन सही निकल रहे होंगे। अगर ऐसी कुछ दिक्कत आ रही कि सही नहीं हो पा रहा दोस्त तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मेहनत तो आप सबने की है ना, और मेहनत के अकॉर्डिंग कुछ बार गलतियाँ हो जाती हैं, अपन नहीं चाहते भी, क्वेश्चन पढ़ने वहाँ का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको हिम्मत के साथ ट्रीट करो, है ना, और आपका रिजल्ट बेटर रहेगा क्योंकि जो मेहनत करते उनको एक दिन रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो 162 का हमारे पास थ्री है, 163 का सेकंड है, 164 का वन है ना, 165 का सेकंड है, 167 का अगर अपन देखें 166 का वन है, 165 का सेकंड है, 167 का फर्स्ट है, 160 हमारे पास 8 का फर्स्ट है, 169 का फर्स्ट है, 171 का 170 का फर्स्ट है, 171 का फोर है, 172 का फर्स्ट है, 173 का फोर है, 174 का फोर है, 175 का फोर है, 176 का थ्री है, 177 का फर्स्ट है, 178 का फोर है, 179 का थ्री है, वन हमारे पास 80 का फोर है, 181 का वन है, 182 का टू है, 183 का थ्री है, 184 का फोर है, 185 का हमारे पास फोर है, 186 का जूलॉजी वाला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है, 186 का हमारे पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, 187 का टू है, 188 का वन है, 189 का सेकंड है, 190 का थ्री है, 191 का फर्स्ट है, 192 का फोर है, 193 का सेकंड है, 194 का फर्स्ट है, 195 का फर्स्ट है, 196 का फर्स्ट है ना, 197 का थर्ड है, 198 का फोर है, 199 का फर्स्ट है, और 200 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड है। ये मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अभी आप इसको आराम से नंबर इसके आप काउंट करो, है ना। पेपर बायो में थोड़ा सा ऐसा था असर्सन रीजन टाइप की, जो उसने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए वो थोड़ा लेंदी बन जाते हैं और आप बच्चों को ज़्यादा टाइम लगा है, जो मेरे पास बच्चे पढ़े हैं उनको भी यही रहा है कि थोड़ा सा उनको टाइम लगा है बायो में, तो बायो में टाइम लगा है ना थोड़ा सा। केमिस्ट्री में भी दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी अपन ये कह सकते हैं कि अब मैं कुछ भी कहूँ है ना, टीचर हैं कुछ भी कहते हैं कि भाई पेपर सिंपल था, ये सही बात है, लेकिन जो तैयारी करता है, क्योंकि हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं जिस स्टेज से आप अभी गुजर रहे हो, तो मैं भगवान सिर्फ ये आशा करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो और बहुत अच्छे नंबर के साथ हो सिलेक्शन, है ना। आपका सिलेक्शन किसी वजह से ना रुके, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि आपके कुछ नंबर कम बैठ रहे हैं, कुछ कम नंबर हो रहे हैं, तो आपको हार बिल्कुल भी नहीं मारनी है ना, क्योंकि अगर अपन इतना कर सकते जितना आपने अभी किया है तो अपन को ये पता चल रहा होगा कि अपन इससे भी आगे ले जा सकते हैं। 12 महीने निकलने में टाइम नहीं लगता, 1 साल के बाद फिर से पेपर होना है, तो आप मैं ये कहूँगा कि आप
आज ही से लग जाओ। दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता, हमें बस पता होना चाहिए कि हमने मेहनत की है। हमारा सिलेक्शन हम लेके रहेंगे, सिलेक्शन आपको मिलेगा दोस्त अपनी मेहनत पे, है ना। आपने इतनी मेहनत की इसलिए हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, और उसी को दिक्कत हो रही होगी, दर्द हो रहा होगा जिसने मेहनत की और उसके क्वेश्चन गलत गए। ये रियलिटी है, क्योंकि जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं ना, इस चीज़ से मैं भी गुजरा हूँ, या जितने भी डॉक्टर हैं आज के टाइम पे सब इसी समस्या से गुजरे हैं। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और हमें उस मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है तो पेन तो होता है, ये रियल बात है ना। पर कंडीशन ये होती है कि भाई अगर आज आपको मिल जाता, चलो आपके कुछ नंबर कुछ क्वेश्चन सही हो जाते और कुछ आपको मतलब एक कॉलेज मिलता, पर वो आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो भी दिक्कत होती। तो अगर भगवान ने आपको कहीं ना कहीं अगर किसी वजह से रोका भी हो, भगवान मैं ना कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि भगवान आपको कॉलेज दिलाए, 100% दिलाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपकी जो आपका ड्रीम था उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिले, लेकिन अगर कॉलेज में कोई दिक्कत आ रही है तो भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, ये रियल बात है ना। हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एम्स हो या फिर आप अगला ड्रीम देखें। और जो आज मेहनत करता है ना बेटा, उसको केवल डॉक्टरी सब सफिशियंट नहीं है, फिर आगे आपको पीजी करनी है, MD MS करना है ना, तो वो वाली कंडीशन होती है, तो आप वहाँ भी बहुत अच्छा करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगर हमारे कुछ नंबर कम बैठ रहे हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई, लेकिन जिनका अगर किसी वजह से कोई नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने मेहनत नहीं की सिलेक्शन वालों से, हमने मेहनत बराबर की है, ठीक है। बस थोड़ा सा कम अगर बैठा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। आप इसी के साथ लग जाओ, जिस चीज़ से आज आप गुजर रहे हैं ना बेटा उससे मैं भी गुजरा हूँ, और उससे हर एक डॉक्टर जो भी आज मेडिकल कॉलेज में वो गुजरा है, ठीक है, किसी का सिलेक्शन रुका है तो उसको फिर वो आगे चल के नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा मिला है। तो आज से एक नए ईयर की स्टार्टिंग है आपके लिए, और आपको आप वहाँ से स्टार्ट नहीं करनी जो आपका जीरो था। अभी हमें पता है कि हमने जीरो से स्टार्ट की, अब हमें पता है कि हमें सब कुछ आने लगा है, सब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करना है, जो गलती रहेगी वो सुधारनी है। NCERT से मैं ये कहूँगा, पूरा पेपर है, NCERT को पढ़ना है, और NCERT पढ़ना अलग चीज़ है बेटा, पढ़ी तो आपने अभी भी होगी, लेकिन NCERT को समझना है, हमें कोई समझाए, एक एक लाइन समझाए, है ना। जैसे मेरे पास जो बच्चे पढ़े उनको मैंने पूरी NCERT की एक एक लाइन बेटा बात के एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किया हमने, है ना। तो उनको वो पेपर में सब कुछ दिखा होगा, और उनको दिखा भी है कि पेपर में हाँ ये लाइन थी हमारे सर ने, ये हमारे पूरी की पूरी हमारी नोट्स से और NCERT से पेपर है, ठीक है। तो आप इसको मिलाओ, मिलाने के बाद आपके लिए जो भी कुछ आपको लगती है मेरी ज़रूरत है, मैं हमेशा आपके लेवल अवेलेबल रहूँगा, है ना। तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है आप मुझे तुरंत बता सकते हो, ठीक है। चलो।